अंदाजी की फांसी होगी। क्यों भाई, कोई सबूत या कोई गवाह या फांसी देखना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं गवाह, तो कल अदालत में 10:10 पर वहां पे आप लोग आइएगा। धन्यवाद। इन्हें अलग अलग किया जाए। बंगला की हथकड़ी खोल दो, बंगला आगे बढ़ो। आज मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूं, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, आखिरी फैसला होने वाला है। तुम जानती हो कि तुम्हें आज 10:10 पर फांसी हो जाएगी। और आज एक त्योहार भी है जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। तुम इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इस त्योहार के दिन कुछ खाना चाहती हो, किसी से मिलना चाहती हो, तो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। बताओ बंदा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है साहब, मतलब मेरे माता पिता। अब ये बताओ, इस दुनिया में कोई नहीं है या कोई था भी उसका जिक्र नहीं किया? नहीं साहब। तुम्हारे माता पिता? मेरे माता पिता थे। भाई बहन? और मेरे भाई भी थे। क्या साहब? तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे? मेरे भाई भी थे। कितने भाई थे? दो भाई थे साहब। जिसका हुआ क्या तुम्हारे साथ? साहब एक दिन मेरी माँ अपने पूरे परिवार से वो गई थी गंगाबाद का स्नान। कहाँ गए थे? राजगढ़ी गई थी साहब। वहीं पर मतलब तुम्हारे माता पिता तुम्हें और तुम्हारे दोनों भाइयों को साथ लेकर प्रयागराज गए हूँ गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान करने के आगे क्या हुआ? और उसी मेले में साहब न जाने कैसे मेरे दोनों भाई बिछड़ गए साहब, पर मेरी माँ दोनों भाई के हाथों के और मेरे भी हाथों में सबका अपना अपना नाम मेरी माँ ने लिखा दिया था। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे दोनों भाइयों के हाथ में नाम गुदवाया था और तुम्हारे भी हाथ में नाम गुदवाया था। हाथ तुम्हारे पहले भाई का क्या नाम था? मेरे भाई का बताओ। हाँ साहब जरूर बताऊंगी। हीरा मणि साहब। हीरा मणि नाम था। और दूसरे भाई के राज मणि नाम था साहब। तुम्हारे एक भाई के कलाई पर जिसका नाम हीरा मणि था और तुम्हारे दूसरे भाई के कलाई पर नाम लिखा जिसका नाम राजमणि था और तुम्हारी कलाई पर बंधना
सुनकर मेरा जिगर कांप गया और मैं कुछ कहना चाहता हूं। देख एक भाई तेरा प्रिंस इंस्पेक्टर जिसका नाम राजमणि है, एक भाई तेरा देख पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए भी ना तो अपने भाई को बचा सकता है और ना अपनी बहन को बचा सकता है। देख कानून क्या के तेरा भाई नतमस्तक हो गया है, कानून ने मेरे हाथ मेरे सिर जंजीर डाल रखी है कि मैं तेरी कोई फायदा और कोई मदद नहीं कर सकता। हो सके भद्रा भद्रा मुझे माफ कर देना क्योंकि आज तेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर राजमणि नहीं, तुझसे इस वक्त तेरा भाई राजमणि बात कर रहा है। कंपनी मालिक ब्रोड डेंचर के फूफा जी श्यामलाल, श्यामलाल मालिक ये शील को देखते हुए किवाड़ भी हटा। आज यदि भाई के हाथ से एक बहन की फांसी होने जा रही, ये शील को देखते हुए संत लोग से मिल जाने की खुशी में एक चावल भैया का नाम पार्टी को से भैया को धन्यवाद। मेरे भाई अफसोस करूं भी तो अफसोस करके कर क्या सकता हूं। अगर यही जानकारी मुझे कुछ दिन पहले मिल गई होती तो मैं अपने भाई और अपनी बहन वंदना के लिए राष्ट्रपति के पास ज्यादा उनसे फरियाद करता। हो सकता था तुम दोनों की फांसी को सजा में तब्दील करवा देता, लेकिन वर विधाता आज भाई अपने ही खून के साथ पैसा भत्ता करने जा रहा है, अपने भैया और अपनी बहन को फांसी के तथ्य पर लटका जा रहा है। भाई हो सके क्षमा कर देना मेरे भाई, मुझे नाज है कि अगर हमारे देश का कोई सिपाही हो तो हमारे भाई ऐसा हो। चल
बैठा दो मुझे फांसी पर निर्भय। चौकीदार इन दोनों चौकियों को, इन दोनों मुस्लिमों को फांसी के तथ्य पर लटका दिया जाए और इनके चेहरे पर नकाब डाल दिया जाए। रस्सी के फंदे को टाइट कर देना, कानून के साथ खिलवाड़ और मजाक मत करना। दोनों
निर्दोष को मिल नहीं दिया। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है?